हेलो गाइस, तो मैं हूँ फिरंज कलावड़ी यार। आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि आप ये ट्रेनिंग ग्राउंड वाले, मतलब ये जो बड़ा सा होता है, इसके ऊपर आप कैसे चढ़ सकते हो। सो आपने ट्राई बहुत की होगी, पर आप शायद से चढ़ नहीं सके होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। सो ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार नीचे उतर के आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस, तो ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे आपने ज़रूर ट्राई की होगी अगर आपने ये ट्रेनिंग ग्राउंड का सोशल जोन देखा होगा। तो ये फ्री फायर वालों ने पजल जैसा बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। पर ये ट्रिक, मतलब ये डिकॉय ग्रेनेड से नहीं होती, मतलब ये बहुत ही सिंपल है गाइस। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, तो सबसे पहले मैं अपना मुंह छोटा करके आता हूँ, तो बैक एक बार चला जाता हूँ। सो आप ऑफ कोर्स ये सोच रहे होंगे कि मेरा मुंह इतना बड़ा हुआ कैसे। सो गाइस, तो आपको इस ट्रिक के लिए सिंपली आपका दोस्त या फिर कोई भी एनिमी होगा, सो वो अगर आपको वो हैमर उधर मिलता है, अगर वो आपको वो मारेगा, तो मतलब आपका सिर भी मेरे तरह मतलब बड़ा हो जाएगा। सो यही सिंपल है। तो एक एनिमी मुझे मार रहा था, तो ऐसे ही आपका हेड बड़ा हो जाएगा। सो नॉर्मली तो आप इधर से जंप मार के जाते हो, पर ये ट्रिक मतलब हार्ड है थोड़ी, आप इधर से भी जा सकते हो, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इधर से जाने में मतलब देर लगती है और ये हार्ड भी है। सो नॉर्मल ट्रिक ऐसे है, तो इधर नॉर्मली से आप चले जाओगे तो हो जाएगा। और ये मतलब ये अच्छी वाली ट्रिक ये है कि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, उसके ऊपर आप स्कोप खोल के आप उधर जा सकते हो। सो इधर आने के बाद आपको सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है, नॉर्मली आपको है ना बस इधर चढ़ते जाना है। जैसे कि मैं चढ़ रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि आप चढ़ ही नहीं रहे हो, पर ये बहुत थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। तो ऐसे ही करते करते आप ऊपर तक पहुँच सकते हो। रुको यार, वीडियो ख़त्म मत कर देना, मतलब ये तो अभी बेसिक स्टार्टिंग है। सो इधर आप आ जाने के बाद आपको ये जो दूसरा वाला, मतलब ये सीढ़ी दिख रही है, उसके ऊपर आपको जंप मारना है। तो मेरे से हो ही नहीं रहा यार, तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो देखो मैं जंप मार रहा हूँ उधर। सो इधर पहुँचने के बाद आपको सिंपली मूव करके उधर आप गिर जाओगे, मतलब उधर ही आप आ जाओगे। सो ऐसे आपको आना है, दिखाता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो बस ऐसे आप करोगे तो इधर आप आ जाओगे, और बाद में स्प्रिंट इधर आप कर सकते हो, क्योंकि इधर कोई भी टेंशन नहीं है। और बाद में स्कोप खोल के मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करना है। ये जो रेलिंग है, मतलब इधर उसके कॉर्नर में आपको खड़े रह जाना है, बाद में गन फायर करते करते करना, तो आप बहुत कम मूव कर पाओगे, वरना आप गिर भी सकते हो। तो इधर आपको स्प्रिंट करके इधर ऊपर चढ़ना है, जैसे कि मैं चढ़ा हूँ। तो आपको इधर दूसरी सीढ़ी दिखेगी, तो वो सीढ़ी चढ़ने के बाद आप इधर जंप करते करते इधर चढ़ सकते हो। तो अभी और है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो इधर आपको ये विंडोज़ दिख रही है, सो उधर आप पहुंचते ही उसके ऊपर जंप मार देना, और ऐसे जैसे कि मैंने किया, मतलब जॉयस्टिक से ही आपको करना है। जॉयस्टिक से धीरे से आपको जंप करके उधर आप पहुंच सकते हो। सो ये पहली बार में मेरे से भी नहीं हुआ था गाइस, तो ये मतलब ट्राई करते रहना, हो जाएगा आपसे। सो देखो यार, पूरा मतलब ये ट्रेनिंग ग्राउंड दिख रहा है हमारा, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। देखो मेरी मतलब ये कैट हवा में उड़ रही है। सो बेसिकली तो ये पैड को मैं यूज़ नहीं करता, पर इसमें मैंने फैल्कन की स्किल लगा के यूज़ कर लिया एक बार। सो देखो गाइस यार, तो ये जो गोल गोल घूम रहा है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, तो उधर आप थोड़ी देर के लिए खड़े रहोगे अगर, तो आप नीचे गिर जाओगे। सो उसके ऊपर खड़े मत रहना, ये गोल गोल घूमते घूमते धीरे धीरे
चला जाता है तो हम नीचे गिर जाते हैं। सो एक बार ये देख लो, ये जो विंड मिल के मतलब ये पंख है उसके बीच में मैं आऊँगा और ये क्या करते हैं, हम गिर जाएंगे या क्या होगा देखते हैं, चलो। सो ओह भाई गिरा दिया, मतलब आपने देखा ना कितना ओपी लग रहा था यार। सो उसने गिरा दिया हमको, तो उधर आप फिर से नीचे आ जाओगे तो ये ट्राई मत करना, मतलब अगर आप अब ऊपर तक पहुंच गए हो बाद में आप नीचे गिर के ये ट्राई कर सकते हो, बाकी उधर से गिरोगे तो फिर से आपको ये हार्ड वाला मतलब ये रेलिंग के ऊपर आपको चढ़ के फिर से करना पड़ेगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सो ये मतलब ये मत करना, करना हो तो कर भी सकते हो। सो गाइस तो इस बार मैं डायरेक्ट ऊपर आ गया, सो आप भी ऐसा आ सकते हो। सो आप आगे जाके इधर जंप करना है तो आप आ जाओगे, मैं पहली बार में नहीं आया था। तो इधर आपको फायर करके धीरे धीरे चलना है, तो आप बहुत धीरे धीरे चल पाते हो फायरिंग करते वक्त, तो ऐसे आपको कॉर्नर में आ जाना है तो आप ठीक से स्प्रिंट कर पाओगे। तो स्प्रिंट करते करते देखो गाइस मैं गिर गया, तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओ नो यार, तो ऐसी गलती मेरे जितनी मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो मैं भी गिर गया था पहली बार, मतलब ये पहली बार की वीडियो नहीं है। सो ये बहुत हार्ड है गाइस, तो वैसे तो आप कर लोगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। सो या तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल पे नए हो तो ऐसे ही लेटेस्ट फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस और अलग अलग ट्रिक्स टिप्स और ऐसी थिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही मैं दूसरी गेम्स के वीडियो भी डालता हूँ, जैसे कि मतलब एक सीरीज़ मैंने बनाई है फ़नी वीडियोस की, वो तो फ्री फायर के ही है। और दूसरी सीरीज़ में मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ कोई दूसरी गेम की, सो वो भी मैं बनाऊँगा शायद से। सो एक और बार मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, एक और बार आप ठीक से देख सकते हो। तो आपको फायर करते करते हुए उधर जाना है और बाद में आपको ये विंडो के सामने आ जाना है और बाद में स्प्रिंट करके जंप करना है और हाथ में मिली वेपन या फिर फिस्ट ही रखना, वरना आपकी स्पीड लो हो सकती है और आप उधर तक नहीं पहुंच पाओगे। सो गाइस यार तो यही थी आज की वीडियो। सो इधर आप चढ़ के अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो और मज़े ले सकते हो, तो एक और बार देख लो कैसे चढ़ना है। उधर आपको एकदम विंडो के कॉर्नर में आके उधर से जॉयस्टिक से मूव करके जंप करना है। अगर आप स्प्रिंट करके जंप करोगे तो नहीं होगा। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर, मतलब ये मैं फायर कर रहा हूँ नुबड़े जैसे गोल घुमा के। ये मैक्स 7 भी बहुत ही ओपी गनाई है गाइस यार, तो इस पे मैं पहले वीडियो बनाने की सोच रहा था पर ये मुझे कुछ नया मिल गया तो ये बना दिया। तो ये भी बहुत ही ओपी, मतलब ये हमारा कंटेंट था, तो होप आप सबको पसंद आया होगा। तो एक और बात, आपने ये ट्रेनिंग ग्राउंड में देखी होगी हमारा जायंट व्हील जो कि नया नया ऐड हुआ है और बहुत ही ज़ोरदार है, तो उसमें मैं अभी आया हूँ। तो आप बोलोगे कि स्पीड क्यों किया, तो ये बहुत ही टाइम लगाता है, ये इतना स्पीड किया तो भी इतना टाइम लगा रहा है। सो गाइस यार ये देखो हमारा बरमूडा मैप का नज़ारा, बरमूडा क्या मैं गलती से बोल दिया, ये हमारा रेसिंग ट्रैक था, बाद में ये हमारा मतलब ये बैटल ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे हम फाइट करते हैं कॉम्बैट जोन, और दूसरा सब सोशल जोन है। सो कितना अच्छा लग रहा है गाइस यार, तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड का अपडेट ये नए वाले अपडेट में मतलब ये कोबरा वाले अपडेट में सबसे अच्छा था। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये नया वाला अपडेट। सो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय फ्रेंड्स। तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार। और ये सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न साफ कर लेना। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है या नहीं? अब जाओ।